नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना में ओवरड्राफ्ट और दुर्घटना बीमा राशि दोगुनी करने का लिया निर्णय। अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट के खिलाफ कई संगठनों ने आज भारत बंद का किया आह्वान। बंद के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट। नेपाल में हो रही बारिश से उत्तर बिहार की नदियां उफान पर। कोसी, गंडक, बागमती समेत अधिकांश नदियां खतरे के निशान के पार। और पटना में खेली जा रही पूर्वी क्षेत्र राष्ट्रीय सब जूनियर फुटबॉल प्रतियोगिता में साई और झारखंड की टीम ने दर्ज की जीत। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना को दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना बताते हुए इसे आगे जारी रखने तथा इसका प्रति परिवार की बजाय प्रति वयस्क व्यक्ति तक विस्तार करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही जनधन खाते में मिलने वाली ओवरड्राफ्ट और बीमा राशि को दोगुना कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि प्रारंभ में इस योजना को 4 वर्षों के लिए शुरू किया गया था, जो इस वर्ष 14 अगस्त को समाप्त हो गया। अब यह योजना अगले फैसले तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान जनधन खातों पर ओडी की सीमा 5,000 रूपये ही रहेगी, लेकिन नए खातों के लिए यह सीमा 10,000 रूपये करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही इसके तहत मिले रुपे कार्ड से जुड़ी दुर्घटना बीमा योजना के तहत मिलने वाली राशि की सीमा 1,00,000 रूपये से बढ़ाकर 2,00,000 रूपये कर दी गई है, जो 28 अगस्त 2018 के बाद खुलने वाले खाता धारकों के लिए होगी। अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट के खिलाफ कई संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। भारत बंद को देखते हुए राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने और संवेदनशील स्थानों पर विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिए हैं। इस बीच रेलवे ने रेल परिचालन को सुरक्षित और सुचारू बनाए रखने के लिए सभी रेल खंडों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने विद्यालयों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि आधार कार्ड के अभाव में किसी भी बच्चे को प्रवेश और अन्य सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। प्राधिकरण ने कहा है कि यह स्कूल की जिम्मेदारी है कि वो अपने छात्रों का आधार पंजीकरण कराए। प्राधिकरण ने कहा है कि विद्यार्थियों का आधार कार्ड बनने तक उनकी पहचान वैकल्पिक माध्यमों से कर उन्हें सभी तरह की सुविधाएं दी जाएं। कटिहार, बेगूसराय, शेखपुरा, अररिया समेत राज्य के 13 जिलों में आयुष्मान भारत योजना को लेकर जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। अभियान में चयनित जिलों के सिविल सर्जन का भी सहयोग लिया जा रहा है। पहले चरण में 15 सितंबर तक 22 सांस्कृतिक दलों द्वारा 220 कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को इस योजना के बारे में जानकारी दी जाएगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को इस महत्वाकांक्षी योजना का शुरुआत करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कहा है कि मोकामा में गंगा पर पुल निर्माण का कार्य 30 सितंबर से शुरू हो जाएगा। मोकामा के औटा घाट से सिमरिया के बीच 1161 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस पुल को 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने बताया कि इस पुल के निर्माण कार्य का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले वर्ष किया गया था। वित्त मंत्रालय ने GST रिफंड दाखिल करना आसान बना दिया है। मंत्रालय ने बताया कि कारोबारियों को अब कर अधिकारियों का पूरे माह का लेखा जोखा देने की बजाय सिर्फ GST R2A फॉर्म का प्रिंटआउट उपलब्ध कराना होगा। GST R2A सिस्टम से स्वतः निकलने वाला लेखा जोखा है, जो कारोबारी और आपूर्तिकर्ता के बीच लेन देन से जुड़ा होता है। इधर कर चोरी रोकने के लिए सरकार ने GST रिटर्न दाखिल करने का नया फॉर्म GST R9 जारी किया है। इसके जरिए कारोबारी को पूरे 1 साल का ब्यौरा दर्ज करना होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। नेपाल में हो रही बारिश से उत्तर बिहार की सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं। गंडक के जलस्तर में वृद्धि जारी रहने से गोपालगंज के सिधवलिया, बैकुंठपुर और सदर प्रखंड में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इधर गंगा नदी के जलस्तर में पिछले 6 दिनों में 31 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। बनारस से मुंगेर तक गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है।
जल संसाधन और आपदा प्रबंधन विभाग नदियों के बढ़ते हुए जलस्तर को लेकर अलर्ट पर है। केन्द्रीय जल आयोग ने कहा है कि आज पटना के गांधी घाट पर गंगा के जलस्तर में और वृद्धि होने की संभावना है। पटना के दानापुर और मनेर में गंगा का पानी कई गांवों में फैल गया है। उधर साहेबगंज में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 51 सेंटीमीटर ऊपर है। वहीं पुनपुन का दबाव पटना के दक्षिण क्षेत्र पर बढ़ने लगा है। औरंगाबाद जिले के गोह, नबीनगर, उबरा और सदर प्रखंड में कई नदियों के जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में IIM बोधगया समेत 7 IIM के स्थायी परिसर को मंजूरी दी गई है। इन सातों IIM के लिए 3,775 करोड़ 42 लाख रुपए आवंटित किया गया है। इसके अलावा केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इनके लिए 5 साल तक प्रति छात्र 5 लाख रुपए की सहायता भी स्वीकृत की है। पूर्व मध्य रेलवे के बरौनी कटिहार रेलखंड के लखमीनिया और साहेबपुर कमाल स्टेशन के बीच बाढ़ के पानी के कारण धसी पटरी का मरम्मत कार्य पूरा कर लिया गया है। मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि ट्रायल के तौर पर इस रेलखंड पर मालगाड़ी का परिचालन शुरू कर दिया गया है। इधर आज भी सहरसा पटना राज्य रानी एक्सप्रेस, कटिहार पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस और टाटा बरौनी कटिहार लिंक एक्सप्रेस समेत कई एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेनें रद्द रहेंगी। मैथिली साहित्य महासभा नई दिल्ली ने मैथिली कविता जगत में लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रही स्वाति शाकंभरी को प्रतिष्ठित मैसाम युवा सम्मान 2018 से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। पटना कस्टम विभाग और हाजीपुर RPF की टीम ने पूर्व मध्य रेलवे के हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर अवध असम ट्रेन में छापेमारी कर 1 करोड़ रुपए का विदेशी सामान जब्त किया है। पटना में खेली जा रही राष्ट्रीय पूर्वी क्षेत्र सब जूनियर फुटबॉल चैंपियनशिप में साई ने सिक्किम को 10-0 से हरा दिया। वहीं एक अन्य मैच में झारखंड ने बिहार को 2-0 से पराजित किया। आज इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के बीच मुकाबला होगा। उधर मुजफ्फरपुर में संपन्न राज्य स्तरीय मेजर ध्यानचंद हॉकी टूर्नामेंट के अंडर-17 के बालक वर्ग में मुजफ्फरपुर जबकि बालिका वर्ग में पूर्णिया की टीम चैंपियन बनी है। पटना में आगामी 9 सितंबर को 15वीं राज्य स्तरीय राज्य मास्टर्स तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। बिहार तैराकी संघ के सूत्रों ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 25 साल से अधिक उम्र के खिलाड़ी भाग लेंगे। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी पहली सुर्खी बनाया है। हिन्दुस्तान ने SC ST एक्ट के खिलाफ प्रस्तावित भारत बंद की खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, आज भारत बंद को लेकर बिहार पुलिस अलर्ट पर। एक अन्य खबर पर अखबार लिखता है, जनधन योजना में ओवरड्राफ्ट और दुर्घटना बीमा राशि दोगुनी। दैनिक जागरण का शीर्षक है, दारोगा बहाली रिजल्ट के प्रकाशन पर कोर्ट की रोक। दैनिक भास्कर लिखता है, निजी स्कूलों की मनमानी फीस रोकने के लिए विधानमंडल में लाएंगे प्रस्ताव। प्रभात खबर की सुर्खी है, कोल इंडिया का निर्णय, NTPC कहलगांव फरक्का को कोयले की आपूर्ति बढ़ी। राष्ट्रीय सहारा ने मोकामा में गंगा नदी पर नए पुल निर्माण की खबर को अपनी पहली लीड बनाते हुए लिखा है, गंगा नदी पर अगले 3 वर्षों में पुल बनकर हो जाएगा तैयार। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना में ओवरड्राफ्ट और दुर्घटना बीमा राशि दोगुनी करने का लिया निर्णय। अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट के खिलाफ कई संगठनों ने आज भारत बंद का किया आह्वान। बंद के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट। नेपाल में हो रही बारिश से उत्तर बिहार की नदियां उफान पर, कोसी, गंडक, बागमती समेत अधिकांश नदियां खतरे के निशान के पार। और पटना में खेली जा रही पूर्वी क्षेत्र राष्ट्रीय सब जूनियर फुटबॉल प्रतियोगिता में साई और झारखंड की टीम ने दर्ज की जीत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।